I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. देखो सुनील, I completely understand the situation. मैं तुम्हारी help करने को तैयार हूँ. But I want divorce. मैं 15 दिन यहाँ रहने को तैयार हूँ. लेकिन जितनी जल्दी हो सके मम्मी जी को बता दो. I will move on. मम्मी कैसी बात कर रहे हो? तू तो बीच में ना बोल. हर बात का मजाक बना रखा है इन्होंने. तुझे divorce चाहिए ना? मैं दूंगा तुझे divorce. अभी तू बस मेरी मम्मी के लिए. प्लीज तू ताई जी को फोन करके तू डेट तो मैंने ही रहेगी. 15 दिन? एक दिन भी ऊपर नहीं. हाँ अरे फोन का रख दिया. सनी सर कॉल करके देख. खो दिया. पापा यहीं कहीं होगा. बेल तो जा रही है मम्मी. यहीं होगा. देखो लगता है मम्मी जी के कमरे में रह गया. ये क्या किया आपने? तू मुझे ना डिवोर्स ही ले ले यार. ये मम्मा. मम्मा अच्छा ओए शीशा भी है. ओए मम्मा आप क्या कर रहे हो? ये ट्रांजिस्टर बंद कर. ट्रांजिस्टर इतना छोटा गया नवा है मार्केट में. हाँ जी हाँ जी. मेरे को भी चाहिए. कितने का है जी? 15,000 रुपए का है. वो लंदन वाले चाचा जी ना वो लेकर आए हैं जी. और मैंने इकट्ठे 2-3 मंगा लिए. अच्छा 15,000 रुपए का जी. अच्छा एक बार बता इसमें ये विविध भारती भी आता है? आता है आंटी जी. सब आता है. कुकर जब आता है 15,000 रुपए का. 15,000 का भी जिंदगी में देखे हैं तूने? देखे नहीं ना तो फिर चुप कर ना. अच्छा बेटा इसमें अभी वो मुन्नी देवी नवी है आए थे ना. मैं गाना आंटी जी से हफ्ते आया. रुकावट के लिए खेत. इसके पास भी है? हैं जरूर इससे चुराया होगा. नहीं आंटी पुलिस को बुला रहे. तू इनको पुलिस को बुला. मम्मा आप तो यार ट्रांजिस्टर के पीछे ही पड़ गए हो. आप रेस्ट करो. ज्यादा ना सोचो. मैं बंद कराता हूँ इसको अभी. पर इसके अब रेस्ट करो जी. अच्छा इसे आराम करो थोड़ा जा. रेस्ट करो रेस्ट करो रेस्ट करो. क्यों रेस्ट मैं करूँ? कार के नौकरों के पास रेस्ट है. तेरी माँ के पास नहीं है. अच्छा लग रहा है तेरे को? मम्मा क्या करोगे यार आप ट्रांजिस्टर का? ओए समझा कर सवेरे सवेरे बिना का गीत माला सुनूंगी अमीन सियानी की आवाज में. और तेर तू छड़ बेटा. तू अपने वो लंदन वाले चाचा जी से कह के एक मुझे मंगवा दे. जी आंटी जी. आंटी जी ट्रांजिस्टर छोड़ो केबल टीवी लगवा लो. साहब डिश टीवी है ना वो लगवा दो आंटी जी के लिए. अब बोर होंगे तो सीरियल देख लेंगे. और ये अपना साइड है साइड बी से भी जान छूटेगी. लगवाऊं तेरा डिश टीवी? चल बाहर जाके काम कर. चल चलो तुम भी. सर ये एक ये अपना दूरदर्शन का नाम बदल गया है डिश टीवी? नहीं आंटी जी वो रहा एक नया सीरियल आया दूरदर्शन पर. हाँ जी. अच्छा चल ठीक है फिर. ट्रांसिस्टर नु मार गोली तो दूरदर्शन लगा दे. बेटा देख मैं बुनियाद देख लूंगी कितने. अच्छा वो अपना विलायती राम वापस आया कि नहीं आया? आ गया. बेटा वैसे ना एक बात ना ये इसका ना साइड है साइड भी सुन सुन के कान पक गए. अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकता तू? अरे मम्मा वो क्या मतलब एंटीना जो है ना खराब हो गया है. इस चक्कर में टीवी चलता ही नहीं. कोई बात नहीं बेटा ऊपर जाके एंटीना घुमा दे. तेरे पापा और मैं तो एंटीना घुमाने में माहिर थे. याद है पापा ऊपर चढ़ के बेचारे पूछते थे आ गया? मैं नीचे से बोलती थी नहीं आया. और पता ये तो एंटीना पकड़ने का मास्टर है. लेकिन आंटी जी लेकिन क्या बेटा अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकता? बेटा घुमाना ही तो है. अच्छा मम्मा एंटीना घुमाता हूँ मैं. ठीक है जा, जा, ओके चल जा, जा, ओके मेरे,
अंकल मैं तो सनी से मिलने आया था, क्या बना दिया आपने? बेटा सनी से तो तू रोज मिलता रहता है, खुद सोच दादी के लिए मैंने मतलब इतना बड़ा इमोशन है, और फिर बंदा दोस्ती में कुछ भी कर लेता है यार, थोड़े दिनों की बात है। दोस्ती के चक्कर में माँ का नाम बदल के बिमला रख दिया, इससे ज्यादा मैं क्या करूँ? अभी क्या मतलब? ओ भाई मेरी बात सुनो, तुम कुछ बाद में करना, सब डिटेल से हो गया काम? हाँ जी बिल्कुल, सारा कुछ मिल गया। हाँ जी तैयार है। बेटा मेरी माँ बहुत तेज है, बचपन में किसी भी गलती पे पकड़ लेती थी मेरे को। अंकल मैं पकड़ा गया तो? अबे इतना फट्टू क्यों है? बीजे ने हम घर वालों को तो पहचाना नहीं, तुझे कैसे पहचानेंगे? तू फिर भी बाहर वाला है। अंकल बाहर वाला कह दिया। अरे नहीं वो मजाक, मैं नहीं कर रहा। बेटा तू मेरा बच्चा है, तू मेरा घर का बच्चा है, तू सुन मेरी बात, जा बात कर। अच्छा कर, ओए रुक जा एक मिनट, चल बेटा जा। हेलो सुनील भैया हैं घर पे? नहीं क्यों, क्या बात है? एंटीना लगाना है, सुनील भैया ने बोला था। हाँ अच्छा, बड़ी जल्दी आया तू, जा जा एंटीना चेंज कर दे, और तेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, मेरा चित्र आने लगा, मैंने देखना है, मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो छत्तर पहन के तेरे को, जा। बस आंटी जी 10 मिनट में लगा दूंगा, कहाँ लगाना है? मेरे सर पे लगाना है। ओए बदतमीज, मारेगा क्या? बचाओ मेरे को। भैया जी आ गए। भैया जी लेट हो गए आप, आंटी जी का चित्रहार छूट जाएगा, जल्दी लेके जाए। मैं बताती हूँ कहाँ लगाना। बस आंटी जी 10 मिनट, अब तो 13 मिनट रह गए। 10 मिनट ए स्कूल क्यों नहीं आ रही? ये क्या कर रहा है यहाँ पे? मैंने बुलाया, स्कूल में क्या चल रहा पता तो लगे, यहाँ फंसा रखा आपने हमें। अरे बेटा फंसे रहो ना, दादी के लिए फंस भी नहीं सकते तुम थोड़े। बेटा अब तू आ गया ना तो ऐसा कर, 2-4 काम छोटे छोटे पड़ेंगे, तेरी जरूरत पड़ेगी, ओके यहीं पे रह तू, ठीक है? ले बेटा। अंकल मुझसे नहीं होगा। अरे घबरा ना, कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं होगा, 15 मिनट का टाइम रहेगा, उन्होंने चित्रकार चौकीदार ठेकेदार पता नहीं क्या क्या देखना है, उन्होंने नहीं देखा, सुना सुना मुझे मार डाला, चित्र अलग पड़ेंगे, वो खून खाए मेरे से निकाल। बेटा चित्र नहीं पड़ेंगे, 3 मिनट तक तू सिर्फ एक्टिंग करता रही हो, ताल लगाने की लगाने की लगाने की लगाने की, तब तक जो है मेरा सनी आ जाए। सनी कहाँ? सनी सनी तू ले आया सामान वगैरह? ये सामान लिया गया, इसके पास आधी तार होगी, तेरे पास पूरी तार होगी, तू नीचे फेंकियो, और तार जो है ना बेटा मम्मी से बचा के, जैसे कोई पता चले बोले चुआ 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 चुआ, चुहे के बहाने जो है तार को एक दूसरे के साथ जोड़ देना। बिल्कुल बिल्कुल। डीवीडी ठीक है ना? डीवीडी है ना, तार लगा दियो, बाकी मैं संभाल लूंगा। बस ले इस तार को, ज्यादा बड़ी नहीं गया भाई, छोटी करके तेरे को यार रस्सा कूदना है यार, कितने सवाल पूछता तू, जा अंदर। ओए तू भी बेटा मदद कर भाई की, जा चला जा 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 भाई की मदद कर, तू भी निकल बेटा, अपनी पूरी सेटिंग कर, तेरे पे ये सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी मम्मा, आजा बजाई ले ले। हाँ जी मम्मा। एक सीरियल है, ले ले अटक गया ना, और बाहर जाके एंटीना को मार जाके जल्दी। ठे 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 ठे, ये तो टीवी के साइड में जोर से थप्पड़ थप्पड़। नर और मादा मिलन के लिए तैयार हैं। वर्षा ऋतु में इस तरह का व्यवहार आमतौर पर लो जी। लो ये लो। हो गया। रुकावट के लिए खेद है। स्यापा पे गया। पीछे से ही खराब है मम्मा। ना तो पर मेरे को ये बता कि ये की आ रहा सीन, नंगे नंगे बंदर और निके निके कपड़े पाए जनानियां, शर्म। मम्मा वो ना एंटीना ने ना अमेरिका फड़ लिया है। अमेरिका ले, अमेरिका फड़ लिया, और हमारे देश का साले कुछ नहीं दिखा रहे, ना बुनियाद ना चित्रा, सब मिस हो गया। क्या बात हो गई, हम है ना कल तक ठीक हो जाएगा है? ओ भाई जब खराब हो जाता है ना तो 2-4 दिन लगते हैं ठीक होने में। जब वो कह रहे कि कल तक ठीक कर देगा तो कर देगा। साहब जी वो जब कल टीवी ठीक हो जाएगा ना तब आंटी जी न्यूज देख लेंगी। चुप कर रहा है, कोई तो मेरे लिए बोला ठीक तो कह रही है, मैं या ना न्यूज देख लूंगी, खबरें सुन लूंगी।
अबे तेरे को ओवर एक्टिंग करनी जरूरी थी, एक दिन में ठीक करा दूंगा, और तू तू दो मिनट तार पकड़ के नहीं खड़ा हो सकता था? अंकल मैं थक गया था। चुप, थप्पड़ दूं एक। अरे सुनील प्लीज बस करो, अब इन दोनों को क्या पता था। चलो तुम दोनों घर जाओ। थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू। हार्ट सिंक होने लगा, मेरा बीपी बढ़ गया। भाई पानी पियोगे? मेरे को जहर दे दो यार थोड़ा सा। आखिर में आपने कहा करी थी, बोल देते ठीक नहीं हो पाएगा, फॉर्मेलिटी खराब हो गया। हाँ, पर अब कौन चलेगा ये सब? हाँ पापा, पहले बीजी के लिए मोबाइल को ट्रांजिस्टर बनाओ, फिर एंटीना लगाओ, और फिर पता नहीं क्या क्या सही बता दिया आपने। अच्छा मम्मी ने आपको डिवोर्स दे दिया, इसे लाएगा आप? पहले सुनील अपनी माँ की सुने, और अब तुम्हारी। उनकी माँ है वो, इनका जो मन करेगा वो करेंगे उनके लिए। इनकी जगह तुम दोनों होते ना तो पानी तक नहीं पूछते। छोड़ जाने दे प्रिया, ये तो होना ही था। भाई आज जो होना ठीक नहीं हुआ। पता है तेरे को नहीं बोलना चाहिए था। हो गया ना, अब कुछ नहीं हो सकता। तू ना एक काम करियो, सुबह उठ के ना पापा को सॉरी बोल दे, और मम्मी को भी। मैं तो नहीं बोल रहा। तू भी ना बिल्कुल जिद्दी है, पापा वही है पूरा का पूरा। कभी कभी मुझे सनी को देखकर लगता है कि मैं भी शायद उसकी तरह ही था। मैंने भी अपनी मम्मी पापा से ऐसे ही बदतमीजी की होगी। और पता तेरे को, एक दिन इसके बच्चे भी इसे ऐसे ही बदतमीजी करेंगे। इतना मत सोचो। पड़ता है सोचना कभी कभी प्रिया। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे झगड़े, छोटी छोटी बातों पे अनबन, ना सोचते सोचते देख आज हमारा रिश्ता जो है ये किस मुकाम पे आ गया। प्रिया जब हम स्कूल में थे ना, कभी कभी हमारा झगड़ा होता था, बहुत बड़ा झगड़ा होता, लेकिन हम संभाल लेते थे। हम एक दूसरे को हमेशा कहते थे कि पीछा नहीं छोड़ेंगे। तब हम बच्चे थे सुनील। करेक्ट। अब हम बड़े हो गए यार, बहुत बड़े हो गए। कल दूरदर्शन पे काम करना है। गुड नाइट। खत्म करना बात, बोल दे सॉरी एक बारी प्लीज, मेरे लिए बोल दे यार प्लीज ना भाई, प्लीज 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 बोलना बोलना। पापा पापा क्या है? है कुछ नहीं पापा। वो सॉरी कल रात के लिए। बड़ा हो गया है, कुछ अक्कल कर रहे हैं। जरा ये जरा बिल्लो सही लग रही है बिल्कुल। स्कूल बैग लिया आपने? ओए बड़ी मुश्किल से यूनिफॉर्म मिली है, फिट आ गई है लेकिन। चले मम्मी। पहले भी दो छोटे हैं पहनती थी ना मैं तो। ये है जरिए। अरे अरे जय माता दी। मम्मा मम्मा क्या कर रहे हो? मम्मा 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 प्लीज मम्मा बैठ जाओ। मम्मा नहीं, मम्मा गिर जाओगे। मम्मा क्या कर रहे हो यार? ना ना मेरे को नहीं लेना, मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ। मामा पेशेंस पेशेंस, अरे मामा पेशेंस। मेरे को ना इस कमरे में ना बड़े प्यारे प्यारे अजीब अजीब सपने आते हैं। अजीब अजीब सपने आते हैं क्या? बिमला के बिमला के बिमला परेशान किया हुआ है। मैंने रानी मेरी बड़ी अजीब कब कभी छिड़ जाती है,
नहीं नहीं मेरा तो दूसरा कमरा तुम बदल दो। मैं सुनो, ये ना आपका कमरा कंफर्टेबल है, बाकी कमरे इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे आपके लिए। प्लीज करो। मम्मा मैं ना स्कूल होके आता हूँ, बेटा ध्यान रखो, स्कूल चलते हैं जल्दी, नहीं तो टीचर ने बड़े बहस लगाने हैं, लेट हो गए तो। और तू बेटा ध्यान रखो मम्मा का, टाइम से खाना खिला देना, तुझे बैठो ठीक है। मेरी मेरी रानी चंगे नंबर ला के आना दोनों। हाँ जी, बाय बाय मम्मा। ओली मैं करता हूँ अभी, पाँच दस मिनट में आपको कॉल करता हूँ। कहाँ जा रहा है भाई तू ये चिड़ी तोते बनाकर? पापा इसकी मम्मी की तबीयत खराब है ना, उन्हें देखने जा रहे थे। तेरी मम्मी का नाम बिमला है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इतनी तहकीकात क्यों कर रहे हो पापा? अबे भाई तहकीकात क्या करनी है, तेरी मम्मी का नाम सुनते ही मेरी माँ की तो कपकपी निकल जाती है। वो अब निकलते हैं हम पापा, लेट हो गए थोड़ा जरा। हाँ निकल, टाइम से आ जाइए बेटा। हाँ जी, टाटा अंकल, टाटा। अच्छा मेरी बात सुनना, आज तू छोड़ देगी मेरे को? मेरा स्कूटर ही नहीं ठीक, बुलेट मैं चलाऊंगी। अच्छा मैंने बताया तू सीधा ताई जी के घर ही जाएगी ना वैसे, मुझे ऑफिस छोड़ के? तो और कहाँ जाऊँगी, और वैसे भी अभी मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, और डिवोर्स होने के बाद ही लड़का देखती। हाँ ढूंढ लियो, धमकी ना दी अगर मेरे को। तू तो उसकी माँ के साथ अस्पताल में था, नाम जाने तू क्या कर रहा है यहाँ पर? वो पापा ए, मैं तेरा मुँह तोड़ दूंगा साले, मार देगा उसका बाप मुझे। पकड़ इसको, पकड़ पकड़ इसको। अरे आराम से बात करो। आराम से क्या बात करो, इसके पीछे चला रामपुर के। पहले डिसाइड कर लो कहाँ लूँ। तू घर ही ले, चलो फिर। ये घर तो आएगा ना मैं, तेरे को अपनी मम्मी की कसम जो तूने सच ना बोला, मैं देख रहा हूँ तेरी आंखों में, पढ़ सकता हूँ तेरे मुंह से, सुनना है मुझे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं पापा। क्या करते हैं? हाँ तू भी करती? हाँ जी अंकल। अंधी है क्या, तेरे को दिख ही नहीं सकता इसकी? हाथ करते हैं यार। अरे मैच तो देखो यार, ये दूसरा अंग्रेजी। बेटा तू नीचे जा, जिससे पहले तेरे पापा ऊपर आ जाए। जा परिपूर्ण अंकल, परिपूर्ण आंटी। कहाँ गए थे ये दोनों? बिमला हॉस्पिटल में, बिमला देवी यानी मेरी मम्मी ना हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत खराब थी, उनको देखने गए थे। पूरा ग्रुप ही झूठों का है तुम्हारा यार। पापा को सब पता भाई, बताना हम कहाँ गए। यार तेरी हद है यार, बता दो यार, कब सच बोलना कब झूठ बोलना यार। इंसल्ट करा दी अंकल के सामने मेरी। सॉरी अंकल, अंकल जी उसको ऑडिशन में ले गया था। तो पहले सच बोल के क्यों नहीं जाते हो? मम्मी एक तो पहले बीजी का इतना काम दे रखा है, अब सच बोल के जाता तो क्या जाने देते? इधर आ। साले कान मारी की लड़की सेट कर दिया ना। चल दौड़ जा अंकल जी, कूड़े गेट में स्कूटर की चाबी। कूड़े टेक की एंड गो। अच्छा तेरे पास है यार, स्क्रैच तो नहीं मार दिया ना यार? तेरे थप्पड़ तो मार दूंगा, स्क्रैच मार दिया तूने। क्या बात है, बड़ी जल्दी मान गए भाई। बस भाई अपना टाइम याद आ गया। याद है तेरे को सिंगिंग कंपटीशन में लेके गया था और स्कूटर से गिरा भी दिया मेरे को, उसके बाद ही तो बुलेट चलाना सीखा है। तो चोट तो मुझे लगी थी ना, देख अभी तक निशान है। अच्छा ये सब छोड़ो, मम्मी का सोचो। अगर हम घर में दूरदर्शन लगा दें तो, और आजकल टीवी में दूरदर्शन तो आता ही है ना, कैसे कहाँ से लाऊंगा मैं पुराने वाला दूरदर्शन? कहाँ से लाऊंगा ये? हम ही न्यूज़ बनाते तो। कैसे? पहले स्कूल के कपड़े उतारो, चलो मेरे साथ। वीर जी आपको तो पता है ना, इसके पापा ना मेरे पीछे पड़ जाएंगे अगर मैंने बात की तो। गोल्डी वीर जी को पता ही नहीं लगने देंगे, हम कुछ ना कुछ बहाना बना देंगे ना। मम्मी अच्छा ठीक है ले जाओ, पीछे थप्पड़ मारूंगी तेरे मुंह पे। और वैसे भी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे है, और अंदर जा पापा आते ही होंगे, चल जा। डांटो मत। अच्छा वीर जी आप ना मेरे लिए भी एक रोल देख लो। वो क्या है ना कि स्कूल के टाइम से ना मुझे एक्टिंग का बड़ा ही शौक,
For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.